नाजरीन, देसी हंड रोटी चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए साग की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये सरसों का साग है, मैंने काट लिया है। ये बाथू है जो इसमें साग में डलता है। काटने से पहले आपको दिखाएं नाजरीन, ये पालक है और साथ में चाहिए हमें हरी मिर्चें भी। तकरीबन 1 पाव हरी मिर्चें लें, 2 किलो साग है, 1 किलो पालक है, आधा किलो बाथू है और 1 पाव लेनी है हरी मिर्ची। अब आपको बनाने का तरीका दिखाते हैं। पहले इसको अच्छे से काट के धो लें। इसमें हम ये साग सारा शामिल कर देंगे, जो पालक वगैरह कटी हुई है, बाथू काटा है, सारा धो के इसमें शामिल कर देंगे। ये नाजरीन डेक्ची में हमने डाल दिया है इसको। ये भी ऊपर है, फूला हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको हीट होगी, इसको सेक लगेगा तो ये नीचे हो जाएगा। तो इसको ढकना दे के इसको पकने देते हैं। अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकेगा तो हम बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। नाजरीन इसको जैसे ही बॉयल आना शुरू होता है तो ये बाहर को आता है इसका पानी, तो आपने इस तरह इसको साइडों से इस तरह दबाते जाना। ये देखिए नीचे हो जाएगा सारे का सारा। अगर आपके पास ये देगची या पतीली, आपके पास कच्ची हांडी जो भी छोटी है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। जैसे ही ये गर्म होगा तो ये नीचे चला जाएगा। अगर मैंने वैसे बड़ा पैन लिया, बड़ा पतीला है मेरे पास, तो उसमें से बाहर नहीं आएगा, इसका ये फ़ायदा है। तो इस तरह आप इसको दबाते जाएं और जैसे ये पकने लग जाए फिर आपने इसको अच्छे से कवर कर देना है ताकि ये गल जाए। नाजरीन ये क्रश मिर्च और तकरीबन 2 चम्मच बड़े मैंने नमक के लिए हैं, ये मैं इसके साथ ही शामिल कर दूंगी। और साथ ही मैंने 1 पाव आपको बताया था हरी मिर्च, ये मैंने पीस ली है। आप चाहें तो काट के शामिल कर दें, लेकिन मैंने पीस लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हमने तकरीबन 1.5 घंटे तक पकाना है ताकि ये गल जाए अच्छे से और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। नाजरीन प्याज ब्राउन हो चुका, इतना ही ब्राउन करना है हमने। और अब हम लेते हैं ये अदरक लहसुन जो हमने बना के रखा हुआ पहले से। इसमें आप अदरक थोड़ा ज़्यादा शामिल करें, आम जो हम घर में बनाते हैं सालन वगैरह, साग में अदरक बहुत अच्छा लगता है। नाजरीन ये देखिए तड़का हो चुका तैयार, इसमें अब हमने ये साग शामिल कर देना है। मिर्च नमक जो हमने पहले से इसमें डाल के पकाया था वो शामिल करने की और ज़रूरत नहीं है हमें, बिल्कुल रेडी है। अब सिर्फ इसको हमने इसमें मिक्स करना है और भूनना है थोड़ा सा। इस तरह से हमने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भूने। आप बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें, जो हमने तड़का बनाया है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और मज़े मज़े का साग हो जाएगा तैयार। नाज़रीन ये साग बिल्कुल हो चुका रेडी, बहुत ही मज़ेदार है, काश मैं आपको खिला सकती। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसे करेंगे देसी घी से गार्निश, इसमें डालेंगे और मज़े से सबको पेश करेंगे। तो डालते हैं हम इसे डोंगे में। नाज़रीन बहुत मज़े का देसी घी के साथ साग तैयार है। इसके ऊपर मक्खन डालें, देसी घी डालें, गंदम की रोटी से खाएं, पराठे से खाएं या फिर मक्के की रोटी से खाएं। तो नाज़रीन इसी तरह हम आपको दूसरे स्टेप में बनाना सिखाएंगे मक्के की रोटी साग के साथ। इस तरह एक ही वीडियो में, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहिएगा, इसको वॉच करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नित नई वीडियो का मज़ा लें। अब मुझे बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।